कार्य क्या है बच्चे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से हम लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने रूल्स बना दिए कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी लेते हो या कोई भी डोनेशन लेते हो तो प्लीज FCRA वाला रेगुलेशन एक्ट फॉलो करो। हमने दो चीजें कवर किए, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट क्यों बनाया है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टन इंडिविजुअल एसोसिएशन या कंपनीज एंड प्रोहिबिट द एक्सेप्टेंस। सबसे पहले हमने कुछ लोगों को प्रोहिबिट भी किया, याद है, पॉलिटिकल पार्टी, न्यूज वालों को, सबको प्रोहिबिट, वही, ठीक है। यूटिलाइज करना एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का, फॉरेन एक्टिविटीज फॉर एनी डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट, तो हम इसको भी प्रोहिबिट कर सकें कि आप नेशन के अगेंस्ट उस पैसे को यूज ना करो। एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर टू, क्यों एक्ट बनाया है हमने, एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। उसके बाद बस सर्टेन इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑल्सो प्रोहिबिट दीज एक्सेप्टेंस फॉर यूटिलाइजेशन अगेंस्ट द नेशन। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी करेंसी, कोई भी सिक्योरिटी, ठीक है। गिफ्ट और नॉट बीइंग द गिफ्ट ऑफ पर्सनल यूज इज नॉट एन आर्टिकल। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, कोई आर्टिकल, कोई करेंसी या फिर कोई सिक्योरिटी, ठीक है। फॉरेन सोर्स, ये कहाँ से आता है, कोई भी, सबसे पहले देखो गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री या फिर एजेंसी ऑफ फॉरेन, इंटरनेशनल एजेंसी, फॉरेन कंपनी, कोई कोऑपरेशन जो फॉरेन कंट्री का है, कोई मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, कोई कंपनी जिसका जिसका मोर देन 50% किसने होल्ड किया है, फॉरेन, तो इंडियन कंपनी है लेकिन होल्डिंग कितनी है 50% से ज्यादा, किसकी, फॉरेन गवर्नमेंट की या फॉरेन सिटीजन की या कॉरपोरेशन की या ट्रस्ट या सोसाइटी की, कोई भी ट्रेड यूनियन जो फॉरेन कंट्री का हो, कोई फॉरेन ट्रस्ट या फॉरेन फाउंडेशन जो फॉरेन कंट्री का हो, सोसाइटी, क्लब और सिटीजन ऑफ अ कंट्री। अब मेरे साथ बोलो, गवर्नमेंट एजेंसी फॉरेन कंट्री की, दूसरा इंटरनेशनल एजेंसी फॉरेन कंट्री की, अब एक एक कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन एक्ट, ठीक है, तो इंडियन कंपनी, लेकिन जिसका मोर देन 50% हाफ ऑफ द नॉमिनल पैकेट होल्ड बाय फॉरेन कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट, सिटीजन, ट्रस्ट या सोसाइटी, ठीक है। फिर कोई भी ट्रेड यूनियन फॉरेन का, कोई भी ट्रस्ट फॉरेन का, कोई भी सोसाइटी फॉरेन की, फॉरेन फाउंडेशन, फॉरेन क्लब या फिर सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ये आपको क्या दे सकते हैं, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो दीज आर सोर्सेज ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉरेन कंपनी, ठीक है, जो फॉरेन में रजिस्टर्ड हो या फिर यहाँ की सब्सिडी भी, इस हिसाब से हम बोलते हैं उसको। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले कोई पर्सन को, ठीक है, इट मे हैव डेफिनाइट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम, क्या कंडीशन है इंडिविजुअल की, क्या प्रोग्राम करना है उसको, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम, उसने ऑप्टेन क्या कर लिया हो, FCRA का रजिस्ट्रेशन या परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड ना हो। पर्सन कौन, इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 25 और सेक्शन 8, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल को क्या लगना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके पास, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम, FCRA रजिस्टर्ड होने चाहिए और परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोहिबिटेड अंदर। हाँ नहीं, तुम पहली बार पढ़ रहे हो क्या FCRA? नहीं है LLP, नहीं, जब ये FCRA एक्ट आया था तब LLP था ही नहीं, अभी आया है, उसमें कंपनीज एक्ट 1956 की बात हो रही है। हु कैन रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कौन ले सकता है, सबसे पहले कैन नॉट रिसीव, ठीक है, रिसीव तो कोई भी पर्सन, कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है। कौन कौन नहीं ले सकता एज पर सेक्शन 3, इलेक्शन का कैंडिडेट, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर का करस्पॉन्डेंट या कॉलमनिस्ट या फिर कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, जज या गवर्नमेंट और सर्वेंट एम्प्लॉय, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, एसोसिएशन और कंपनी, फिर करस्पॉन्डेंस और ये सब, वीडियो एडिटर और एसोसिएशन और अ कंपनी खुद, ठीक है। कौन कौन हो गए, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, फिर न्यूज़पेपर वाला, उसके बाद पब्लिक सर्वेंट, जज, उसके बाद मेंबर ऑफ, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बेयरर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, इसका एक टॉपिक भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर का, ठीक है। फिर एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी और करस्पॉन्डेंट, कम्युनिस्ट, एसोसिएशन और कंपनी खुद भी। अब
सबसेक्शन टू और थ्री में सिर्फ इतना लिखा है बच्चे, कोई भी रेसिडेंट इनडायरेक्टली भी घुमा फिरा के भी पैसा लेके पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकता। तो हमने इंडिविजुअल को भी प्रोहिबिट कर दिया है। तो हर पॉइंट में ये लिखा है, खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकता, किसी भी फॉर्म में डिलीवर नहीं कर सकता, कोई और करेंसी बुला के फिर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके फिर पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये लोग किसी भी तरीके से पैसा नहीं ले सकते। ये वाला सेक्शन किसको अप्लाई नहीं होता? अगर कोई बाई सैलरी वेजेस पैसा ले रहा हो, कोई पेमेंट ले रहा हो, इंटरनेशनल ट्रेड किया हो, कोई एजेंट हो, उसने कोई ट्रांजेक्शन किया हो, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, कोई गिफ्ट हो, कोई रिलेटिव को पैसे दे रहे हो, कोई रेमिटेंस ऑफ एनी ऑफिशियल चैनल का पैसा है, स्कॉलरशिप, स्टाइफंड या फिर पेमेंट है, तो इसको सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, यानी जो पॉलिटिकल नेचर जैसा हो, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हरकतें, जिसके काम, जिसका कल्चर एक पॉलिटिकल नेचर का, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करा देगी कि आप क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेन कल्चर नेचर के हो और पॉलिटिकल नेचर के हो, आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी, सबसे पहले ही सेक्शन 6 में लिख दिया है कोई नहीं ले सकता। नो मेंबर और लेजिस्लेचर, ऑफिस बेयर, पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय, एनी कॉर्पोरेशन नहीं ले सकता, कंट्रोल अंडर बाय गवर्नमेंट नहीं ले सकता फॉरेन हॉस्पिटलिटी एक्सेप्ट प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी। ठीक है, सीजी के अप्रूवल लेने के बाद ही होगा। अगर इमरजेंसी है तो करा लो, उसके बाद इन्फॉर्म कर लेना विद इन 30 डेज, 1 month। अब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? प्योरली कैजुअल वन, इन कैश काइंड बाय फॉरेन सोर्स, प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल विद फ्री बोर्ड, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, फ्री बोर्ड, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर लॉजिंग या फिर ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का खर्चा आप उसका उठाते हो। प्रायर परमिशन ऑफ लेनी है सीजी। कौन कौन ले सकता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेयरर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट्स और एम्प्लॉय और एनी कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट। उसको भी कंट्री के लिए ही यूटिलाइज कराना। एक क्वेश्चन है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस। सबसे पहले सेक्शन 3 और सेक्शन 6, फिर सेक्शन 11 और सब सेक्शन 11 में प्रायर परमिशन लेनी है, फिर वापस सेक्शन 6 क्योंकि आपको इंटीमेशन करना होता है, और सच अदर प्रोहिबिशन जिसमें आप कंट्री की सोवनिटी अफेक्ट करो, पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रीडम ऑफ फेयरनेस, फ्रेंडली रिलेशन या हार्मनी बिटवीन रिलीजियस अगर अफेक्ट करोगे तो भी प्रोहिबिटेड हो, कंट्रीब्यूशन लेने नहीं देंगे। एफसीआरए के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो, तो या तो प्रायर परमिशन करा लो या रजिस्ट्रेशन। अगर आपका मोनोटस काम है कि आना चाहिए, डोनेशन आता रहे, तो आप क्या ले लोगे? रजिस्ट्रेशन। और एक टाइम का काम है तो क्या ले लो? प्रायर परमिशन। ये सारी कंडीशंस हैं जब आप प्रायर परमिशन या रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फिक्टिशियस नेम और बेनामी नेम नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी रिलीजियस फेथ के अंदर प्रोसिक्यूटेड नहीं होना चाहिए, कम्युनल टेंशन कभी आपने लेके ना आए हो, ठीक है, कभी भी फाउंड गिल्टी या मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स नहीं किया हो, किसी भी तरीके का प्रोबेशन ऑफ सेडिशन या फिर एडवोकेट्स को आपने कभी वॉयलेंट नहीं किया हो, ठीक है, पर्सनल गेन अनडिजायरेबल मीन्स के लिए नहीं बुला रहे हो, कॉन्ट्रावेंट नहीं किया हो, कोई भी सेक्शन प्रोहिबिटेड नहीं हो, सच इंडिविजुअल has been convicted or timing कभी भी pending कोई आपका केस नहीं हो, कोई भी तरीके का conviction या prosecution आपके against नहीं चल रहा हो, also आप किसी भी तरीके का आपका acceptance of our contribution, हमारे sovereignty, security, वही public interest, mutual relations, religious harm नहीं करे तो हम आपको accept करेंगे, वरना मतलब वो हम आपको registration या prior permission देंगे, वरना हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, फिर सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, ये सब एक बार देख लेना, रिन्यूअल भी हो जाता है, पेनाल्टीज भी, स्टिकी नोट लगा होगा उससे रीड कर लो, करो रीड फटाफट पेनाल्टीज।